पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज की नैनी पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने ऑनलाइन गेम खिलाकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से 42 मोबाइल फोन, 52 सिम कार्ड, 5 लैपटॉप तथा 2.53 करोड़ रुपए लेखा जोखा में बरामद हुआ है। डीसीपी यमुना नगर श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने मंगलवार को मीडिया कर्मियों को बताया कि सभी अपराधी नैनी क्षेत्र के हैं और इनका सरगना विजय निषाद है। ये लोग इंस्टाग्राम में ऑनलाइन गेम खेलने का ऑफर देते थे। इसे जो खेलता था उसे पहले ये पैसा जीतने का लालच देते थे, उसके बाद हराते थे। इसके लिए इन्होंने बकायदा डायरी मेंटेन कर रखी थी। डीसीपी ने बताया कि इसी प्रकार बिहार में भी ऐसा ही रैकेट पकड़ा गया था जो करोड़ों की ठगी करता था। फिलहाल विधिक कार्यवाही की जा रही है। उनकी टीम और एसओजी ने मिलकर एक अंतर्राज्यीय बेटिंग गेमिंग स्कैम का पर्दाफाश किया है। ये लोग लड़के जो थे नैनी में से एक स्कैम चला रहे थे। कल जब हमने रेड दिया 10/6 को, तो हमें यहाँ पर 12 अभियुक्त के पास से 42 मोबाइल फोन्स, 53 सिम कार्ड्स और अराउंड 5 लैपटॉप, कई पासबुक्स और जो है 9 बही खाते मिले हैं। इन बही खातों को जब हमने स्टडी किया तो इसमें अपने पर डे के प्रॉफिट का लेखा जोखा लिखते थे। 15-20 दिन से जब ये स्कैम चला रहे हैं, टोटल इन्होंने 2.5 करोड़ जितना प्रॉफिट कमा लिया है। और इस इनपुट पे हमें ये भी पता चला कि इसी तरह की एक टीम गोपालगंज बिहार में भी कार्य कर रही है। वहाँ पर जो इनपुट दिया और उन्होंने दबिश दी, तो वहाँ पर भी इसी तरह की एक टीम सामने आई है। 12 लड़के वहाँ पर भी काम कर रहे थे जिनके पास 12 लैपटॉप थे, 42 मोबाइल फ़ोन्स थे और अन्य कई चीज़ें थी। और इन्हीं के सरगना का नाम था विजय निषाद और अन्य कुछ लड़के इसके साथ काम कर रहे थे। और कुछ और इनपुट्स भी हमारे पास हैं जिनको हम डेवलप कर रहे हैं और आशा करते हैं कि जल्दी इसमें और कुछ लोग अरेस्ट किए जाएंगे।